हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम आपका मेरे चैनल द किचन हब में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये इंग्रेडिएंट देख के आपको क्या लग रहा है कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करिए और 10 सेकेंड सोच के कमेंट करके मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा सस्पेंस न रखते हुए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कमेंट कर दिए होंगे तो मैं पढ़ के आपको रिप्लाई करूँगी, और अगर अभी तक आप नहीं समझे तो अब मैं बताती हूँ आपको। मैं स्प्राउट मूंग और स्प्राउट चने का पकौड़ा बनाने वाली हूँ, तो है ना थोड़ा यूनिक, क्योंकि स्प्राउट मूंग और चना मेरे घर में तो हमेशा रहता है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। हम हमेशा किसी भी, चाहे आप बॉईल करके खाइए चाहे ऐसे ही खाइए, तो मैं हमेशा रखती हूँ। तो आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैं सोची चलो स्प्राउट मूंग और चने का पकौड़ा बनाती हूँ। मेरे घर में बहुत कॉमन है, आपके यहाँ बनता है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो स्प्राउट मूंग और चने का पकौड़ा की रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि मूंग और चने का पकौड़ा आपको देख के कैसा लगा। अब फ्रेंड्स, अगर पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एकदम चटपटा सा और एकदम हेल्दी भी है, पकौड़ा है लेकिन हेल्दी है, स्प्राउट मूंग और चने का पकौड़ा। स्प्राउट मूंग और स्प्राउट चने का पकौड़ा बनाने के लिए 1 कप मूंग को मैंने एकदम अच्छे से 4-5 पानी से धो के ओवरनाइट भिगा दिया था। फिर इसका पानी निकाल के आप किसी भी छन्नी में रख के, आप अगर इसे माइक्रोवेव में या किसी गर्म जगह पे रख देंगे तो 7-8 घंटे में इतना स्प्राउट आ जाता है। और चने के साथ भी मैंने वही किया था, 1/2 कप मैंने चना लिया, इसे एकदम 4-5 पानी से धो के और ओवरनाइट भिगा दिया था। फिर सुबह मैंने इसको छन्नी में रख के 7-8 घंटे के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था। आप माइक्रोवेव या जो भी गर्म जगह होगी वहां पे आप रख दीजिए छन्नी में ऊपर से ढक के, तो ये 7-8 घंटे में इतना स्प्राउट हो जाता है। तो 1 कप मूंग है स्प्राउट और 1/2 कप चना है, और आप और कुछ भी और स्प्राउट करते तो वो भी ले सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच हींग मैंने लिया है, हींग लेना जरूरी है, इससे टेस्ट तो बढ़ता ही है प्लस चना और मूंग को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया जीरा सौंफ पाउडर लिया है, ये वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी। ये मसाले को मैं मैजिक मसाला बोलती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने धनिया जीरा सौंफ डाला है तो तीनों का फ्लेवर है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने अपना मैजिक मसाला लिया, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच काला नमक लिया है, पकौड़ों में काला नमक डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। 1 छोटा चम्मच सादा नमक लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। और 1 छोटा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, ये अपना जो नॉर्मल चिली होती है तीखी वाली, उसे मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पल्स मोड पे चला लिया है तो ये चिली फ्लेक्स मिल गए हैं और बहुत टेस्टी लगता है पकौड़ों में। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी है और 7-8 कड़ी पत्ता है, उनको मैंने कट कर लिया है, तो कड़ी पत्ते का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसे कद्दूकस कर लिया है। और 1/4 कप मैंने हरी धनिया कट करके ली है और 7-8 हरी मिर्च ली है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो 1 हरी मिर्च डालिए, और कड़ी पत्ते से काफ़ी फ्रेश फ्लेवर आ जाता है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, घर के सारे थोड़े मसाले जो हैं, जो बेसिक मसाले हमारे घर में रहती हैं, वो मैंने डाला है। अब हम मूंग को और चने को मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे, एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे और पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए एक जार लेते हैं और पहले हम मूंग पीसते हैं, उसके बाद चना पीसते हैं। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में मैंने हर जगह थोड़ा थोड़ा मैंने टिप्स दिया है कि कैसे हमें पीसना है, उसमें पानी यूज़ करना है कि नहीं करना है, कैसे तलते समय और कैसे मसाला जब हम मिक्स करेंगे सारा, तब मैंने बहुत सारे टिप्स दिए। तो आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से एंड तक, और आप वो सारे छोटे छोटे स्टेप जब फॉलो करेंगे तो आपका पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा, ज़रा भी गलती नहीं होगी। तो आप पूरा वीडियो देखिए, ना समझ आए तो आप रिपीट करके देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम मूंग और चने को पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम मूंग डालेंगे, पानी हमें ज़रा भी नहीं इस्तेमाल करना है, और हम इसे पल्स मोड पे पीसेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे।
तो एक बार में हम मूंग डाल देते हैं और हम इसे दरबरा पीसेंगे, एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे। अगर आप दरबरा रखेंगे तो बहुत अच्छी पकौड़ी बनेगी। तो अब मैं इसे पल्स मोड पे पीस के और बीच बीच में चला के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, पानी जरा भी नहीं डाला है, एक चम्मच भी पानी नहीं डाला, पल्स मोड पे पीसा है बीच बीच में ऐसे चम्मच से चला के। और आप देख रहे हैं कहीं कहीं मूंग ऐसी खड़ी भी है, तो हमें ऐसा ही चाहिए, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, तो ऐसे दरबरा रहना चाहिए और कुछ साबुत मूंग भी रहनी चाहिए। तब मैं निकाल लेती हूँ इसे। फ्रेंड्स इसी जार में अब हम चना डाल देंगे। चना में भी जरा भी पानी नहीं डालेंगे, पल्स मोड पे चला चला के दरबरा पीस के मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने दरबरा पीस लिया, जरा भी पानी नहीं डाला है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। पानी डालेंगे गीला हो जाएगा तो पकौड़े इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए दरबरा अब मैं इसे निकाल के मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और आप ये ध्यान रखिएगा, ये पकौड़ा बहुत हैवी होगा क्योंकि मूंग चना काफ़ी हैवी होता है। अगर आप इसे नाश्ते में बनाते हैं तो आप इसे ब्रंच की तरह बनाइए, आपका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाएगा। और अगर आप डिनर में बनाते हैं तब भी ये हैवी रहेगा। और देखिए सब हमने मिक्स कर दिया, अब हम सूखे मसाले मिक्स कर देते हैं। ये जो धनिया जीरा और सौंफ का पाउडर है ये मैंने मिक्स किया, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और हल्दी पाउडर, हींग तो ज़रूर डालिएगा कि स्वाद बहुत बढ़ता है और डाइजेस्ट हो जाएगा पकौड़ा। काला नमक, नॉर्मल नमक, चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता, जीरा, बहुत ही चटपटा पकौड़ा बनेगा, अदरक और हरी धनिया। फ्रेंड्स इसमें न लहसुन पड़ा है न प्याज पड़ी है, तो जो प्याज लहसुन नहीं खाते उनके लिए भी ये पकौड़ा बहुत अच्छा है। अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और हम गैस पे तेल भी रख देंगे क्योंकि ये पकौड़े के लिए थोड़ा सा गर्म तेल रहेगा तो अच्छा रहेगा, पहले तेल गर्म रहे और फिर बाद में हम थोड़ा मीडियम आंच कर देंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स, चम्मच से इतने अच्छे से नहीं होगा। तो सब कुछ देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और कितना ड्राई है बैटर, पानी ज़रा भी नहीं डाला है और ऐसे ही होना चाहिए ताकि जब हम पकौड़े ऐसे डालें तो देखिए गीला नहीं है। अगर आप इसे पानी डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। गैस पे मैंने तेल रख दिया है, तेल जैसे गर्म होता है हम तलना चालू कर देते हैं और इसे हम ऐसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे तो सब चीज़ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम मीडियम आंच कर देंगे और एक पकौड़ा डाल के देखेंगे। तो देखिए तेल एकदम परफेक्ट है और मैंने अभी स्लो कर दिया है, लेकिन शुरू में हमें तेल थोड़ा सा गरम चाहिए और फिर ऐसे राउंड कर करके ऐसे हाथों में लेना है, ऐसे हम बॉल जैसा बनाएंगे और डालते जाएंगे। अगर आपको हाथ से नहीं जमे तो आप चम्मच से भी डाल सकते हो, क्योंकि कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप डायरेक्ट चम्मच से लेके डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़े से ऐसे राउंड राउंड कर देती हूँ, अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है प्लेट में। जैसे बस हाथों से जितना आए एक बार कढ़ाई में, इसे तुरंत नहीं पलटना है, हमें वेट करना है कि ऊपर की सतह थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन हो जाए, कड़क हो जाए, ताकि क्योंकि इसमें हमने बेसन वगैरह कुछ नहीं डाला है ना, तो वो फूटे नहीं, इसीलिए हम वेट करेंगे। बस अब इतना ज़्यादा हमें नहीं डालना, जितना एक बार में आ जाए। और अब हम वेट करेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसे पलटेंगे। देखिए हल्का सा ये
हो गया एक दो मिनट, तो ऐसे ही मैं चला दे रही हूँ। और एकदम डालते ही तुरंत हमें नहीं टच करना। अब देखिए एक मिनट हो गया है, तो हम अब ऐसे ही हिलाते रहेंगे, और थोड़ा हो जाएगा फिर हम थोड़ा सा पलट पलट के सेक लेंगे। थोड़ा सा और वो ऐसे ही पलट पलट के तल लेंगे, तो एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पलट पलट के हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। 4-5 मिनट लगे हैं इसे पकने में। अब मैं इसे छन्नी में निकाल लेती हूँ। आप किसी टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो निखर जाता है, चाहे टिश्यू पेपर में रखिए या छन्नी में। मैं ये छन्नी में निकाल के ऐसे इसी छन्नी में रहने दूंगी थोड़ी देर के लिए। अब हम इसी तरह दूसरा भी बैच कर लेंगे। तो बस हाथों में लेना है, राउंड बनाना है तो आप राउंड बनाइए, नहीं तो ऐसे ही डालते जाइए। तो मैं मोस्टली थोड़ा सा राउंड बना देती हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ा सा राउंड कर देते हैं ना, तो अच्छे से सब बाइंड हो जाता है। और आप बिना राउंड किए करेंगे तो जो साइड में थोड़े से अपने चने और मुंह थोड़े से साबुत हैं वो निकल जाते हैं, तो इसलिए ऐसे राउंड करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा और ऐसे बाहर निकलेगा भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें बेसन या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो इसलिए आप राउंड राउंड करके डालिए तो ज़्यादा अच्छा। तब ये दूसरा बैच हम कर रहे हैं, इसमें भी एक बार में जितना आ जाएगा उतना डालेंगे। और ये भी जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो ही टच करेंगे, बीच में नहीं टच करेंगे हम। और तेल आप याद रखिएगा, पहले तेल गर्म होना चाहिए और बाद में फिर हम मीडियम पे रख देंगे, और मीडियम पे रखेंगे तो अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। तो आप एकदम तेज में मत तलिएगा, वरना ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये दूसरा भी बैच अच्छे से हो गया है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। निकालने के बाद थोड़ा सा और कलर चेंज होगा। ये ऊपर से एकदम अच्छे से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए 4-5 मिनट लगता है एक बैच को होने में। तो आप किसी भी टिश्यू प्लेट पे, टिश्यू पेपर रख के या ऐसे किसी भी छन्ने में, देखिए आवाज़ से पता चला कितना क्रिस्पी है। जो बचा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए मैंने ऐसे राउंड राउंड कर दिया है, तो अब बस हमें एक राउंड लेना है और डालते जाना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ज़रा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया ना, इसलिए अगर हम पानी का इस्तेमाल कर दिए होते थे तो ऐसे बॉल्स नहीं बन पाते। तो देखिए पहले से ही अगर आप बना के रखे हैं बॉल्स, तो बस आपको उठा उठा के तेल में डाल देना है। झटपट बन गया मूंग और स्प्राउट चने का पकौड़ा। जब भी आपको खाने का मन करे और स्प्राउट पड़ा हुआ है घर में, तो आप बना दीजिए। किसी भी चीज़ का स्प्राउट पड़ा हो आप बना सकते हैं। तो इसको भी हम इसी तरह तल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पकौड़े तैयार हो गए, और इसे मैंने सॉस और टमाटर और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, हमने जो अंकुरित मूंग और अंकुरित चना से जो ये पकौड़ा बनाया है, इतना क्रिस्पी बना है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आवाज़ भी आ रही है, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर बना के खाइए, क्योंकि अंकुरित मूंग और चना है तो थोड़ा हेल्दी तो होगा ही। थोड़ा हमने तेल में फ्राई किया है, अगर आपको तेल में फ्राई नहीं करना तो आप इसके टिक्की भी बना के आप शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूंग और चने का पकौड़ा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा इसकी रेसिपी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।
फ्रेंड्स एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पकौड़ा कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।